बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं शौर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की बात पर संजय राउत की प्रतिक्रिया, शिवसेना का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन। गोंदिया में हुई दो युवक नाले में बह जाने की शोकजनक घटना, बच्चे को बचाते समय बह गया युवक। और महाराष्ट्र में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, एकनाथ शिंदे सरकार ने किया ऐलान। अब खबरें विस्तार से। संजय राउत ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हैं, हमने सही व्यक्ति का समर्थन किया है, जबकि किसी राजनीतिक लाभ के लिए समर्थन नहीं। आदिवासियों में काम करने वाले हमारी शिवसेना के लोगों ने भी अपना समर्थन दिखाया है, ऐसी प्रतिक्रिया संजय राउत ने दी। मुझे मालूम नहीं, देखिए हमने यानी पार्टी शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी जी मुर्मू को शिवसेना का समर्थन दिया है। ये कोई राजनीतिक समर्थन नहीं है। इस देश में पहली बार एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने जा रही है। पूरे देश के एक सेंटिमेंट है कि आदिवासी महिला को ये बहुमान मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी हमारे बहुत से विधायक, सांसद, कार्यकर्ता जो आदिवासी क्षेत्र में काम करते हैं और खुद आदिवासी भी हैं, उनकी भी ये इच्छा रही, तो उद्धव जी ने निर्णय लिया कि पार्टी अपने वोट द्रौपदी मुर्मू जी को देगी। ये हमारी एक इच्छा है, हमारी आदिवासी के प्रति रिस्पेक्ट और भावना है। मैं मानता हूँ राजनीति से ऊपर जाकर ये निर्णय पार्टी ने लिया है। उससे पहले भी, ये पहली बार नहीं है, हमने कांग्रेस के उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के प्रतिभाताई पाटिल को भी सपोर्ट किया था जब हम एनडीए में थे, सरकार में थे, एनडीए में थे। प्रतिभाताई पाटिल महाराष्ट्र की मराठी नक्कल सुपुत्री थी तो हमने सपोर्ट किया। फिर हमने प्रणव बाबू मुखर्जी को भी सपोर्ट किया था राष्ट्रपति पद के लिए। तो शिवसेना की ये परंपरा है कि ऐसे पद पर जो व्यक्ति बैठती है उनका सम्मान करे, योग्य व्यक्ति है उनको सपोर्ट करे। तो आपने जो प्रश्न कहा कि द्रौपदी जी आज मुंबई आने वाली है क्या मातोश्री जाएंगे, मुझे वो मातोश्री आई इसलिए हमने सपोर्ट नहीं किया। ये राजनीतिक समर्थन नहीं है, हमारी भावना है और आदिवासी समाज के प्रति हमारा आदर है, बस इतना ही कहना। देसाईगंज में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। देसाईगंज में लगातार 3 से 4 दिनों से हो रही बारिश से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देसाईगंज में जगह जगह जल जमाव होने से शहर के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देसाईगंज मेन रोड रेलवे अंडरग्राउंड के अंदर पानी भर गया है, जिससे शहर के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों की प्रशासन से मांग है कि ये परेशानी का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। बढ़ती बारिश के चलते जगह जगह रास्तों पर जल जमाव जैसी परेशानियों का सामना नागरिक कर रहे हैं। नदी नालों में बाढ़ आ रही है, जिसकी वजह से कई लोग पानी में बह जाते हैं और जीवित हानि होती है। जहां तक दुर्गम भागों की बात है, ये समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसी ही एक घटना भामरागढ़ में सामने आई है, जहाँ परलेटोला नदी को आई बाढ़ में एक ट्रक बह गया, जिसमें 3 प्रवासी बह गए। घटना का वीडियो वायरल हो चुका है। ओ, एक के चक्कर में बचाने के चक्कर में उसको खुद आप बचाइए, इसको डर जाता है नहीं आता कोई भी सोए है
बोलते हैं नाम नहीं मालूम बनती है। उसके अब्बा का नाम हजरत भाई, हजरत भाई आगे हजरत भाई खाना पका नहीं मालूम जी, बड़े जिले वाला गौतम नगर में भी गला था अभी। हाँ वो चला उनका घर का लड़का ही, ये तुम्हारी नगर में रहते ये निकालने का गया था ये तो यानी ये भी डूब गया फिर एक बचाया बोलते नहीं बचा एक बचाया बोलते हैं बच गया है ये निकाला इसको जो अभी जो नहीं मिला है ना उसको निकालने के लिए और गया ये गया दोबारा ये निकाल के उसको बाहर फेंक दिया उसके बाद ये फिर दूसरे को निकालने गया तो निकल ये भी नहीं निकल पाया ये भी डूब गया गोंदिया जिले में दो युवक नाले में बह जाने की शोकजनक घटना सामने आई है। दो युवक उफनते नाले में बह जाते हुए देख जावेद सैयद इस युवक ने उन्हें बचाने की कोशिश की। जावेद एक युवक को बचाने में सफल रहा लेकिन दूसरे को बचाते हुए नाले के बहाव में वो भी बह गया। सुबह दोनों की लाश मिली। इस घटना से परिसर में शोक व्यक्त किया जा रहा है। कल शाम को 3 बजे के करीब गोंदिया के गौतम नगर नाले पर करीब 6 युवक नहाने गए थे। उफनते नाले के पानी में बहाव से 2 बच्चों का पैर फिसलने से वो पानी में बह गए। मौजूद जावेद नामक युवक ने उन्हें बचाने की कोशिश की जिसमें एक बच्चे को तो उसने बचा लिया लेकिन दूसरे को निकालते वक्त वो भी बह गया। अपनी जान देने वाले कुम्भारी नगर निवासी युवक की लाश सुबह 6 बजे पिंड के पास समीप नाले के बाजू में लटकी मिली और दूसरा बच्चा तथा रेहान करीम शेख की भी लाश मिल गई है। जान बचाने वाले के परिवार के प्रति गौतम नगर में भारी शोक दिखाई दे रहा है। SDPO ताजने के मार्गदर्शन में थानेदार चंद्रकांत सूर्यवंशी आगे की जांच कर रहे हैं। वीकेबी न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर से स्वागत है। नागपुर के इंदौरा इलाके में होटल अरेबियन ताज के किचन में काम करते समय अचानक छत और दीवार का एक हिस्सा गिर गया जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और कर्मचारी तुरंत उस जगह से भाग निकले। ये घटना बुधवार शाम 5:45 बजे CCTV में कैद हो गई। संभावना है कि बारिश के कारण दीवार में पानी रिसने से दीवार का हिस्सा गिर गया हो। हालांकि गनीमत रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, एक कर्मचारी को मामूली चोटें आई है। गोंदिया के लोधी
लोधी टोला के मौजा तुमखेड़ा में दो खेत मजदूर 23 वर्षीय आशीष धर्मराज बागड़े और 25 वर्षीय संजू प्रमोद बागड़े खेत में काम करने जाते समय नाले के पानी में बह गए। बचाव दल के माध्यम से उनकी खोज जारी है। बुधवार शाम को आम आदमी पार्टी की ओर से बढ़ते हुए बिजली दाम को लेकर कामठी तहसील कार्यालय के सामने हाईवे रोड पर जन आक्रोश आंदोलन किया गया। ईडी सरकार ने सत्ता में विराजमान होते ही जनता से वसूली शुरू कर दी है। बिजली बिल में की गई बढ़ोतरी अन्यायपूर्ण है। कुछ दिनों पहले भाजपा सरकार ने इन मुद्दों पर आवाज उठाई थी। अब इन मुद्दों पर भाजपा ध्यान नहीं देने की बात पर आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए। कर बिजली के मुद्दों पर नारेबाजी करने वाले बीजेपी इस विश्वासघात के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज कामठी में आक्रोश के साथ आंदोलन किया। इस आंदोलन में शहर अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण उपस्थित थे। पता है कि आज जो है हम जो 20 हज़ार में जो हमारे यहाँ पे बढ़त हुई है, क्योंकि हम देखते हैं कि लॉकडाउन के बाद में हर जनता जो है परेशान है, और उसके साथ में जो है बिजली एक हर घर में होनी जरूर मतलब ज़रूरत है हर किसी की, लेकिन बिजली के सिवा कोई उपकरण नहीं चलता, कुछ भी नहीं। लेकिन ये 20 हज़ार में जो बढ़ाई होते जा रही है, उसकी वजह से ये सामान्य की जनता है वो त्रस्त होते जाती है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि ये 20 हज़ार में आप कम से कम हमें मतलब कपाट करके दिया जाए, और जो 200 यूनिट का जो टारगेट है, जैसे पंजाब या दिल्ली सरकार जो फ्री में लोगों को देती है, फ्री में नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये बोलेंगे कि उनका जो हक है कि उनको 200 से या 300 यूनिट आप फ्री में दिया करें, बस उतना ही हमको मिले और हमारा हक हमको मिले। और बिजली दर में वो जो कपात है और जो हम हर दिन जो दाम बढ़ाते जाते हैं, वो दाम में कुछ ना कुछ कपात किया जाए और उसका ऑडिट किया जाए। CAG जो ऑडिट हम बोलते हैं कि 20 हज़ार में जो ऑडिट होती है, वो ऑडिट किया जाए। सभी नमस्कार। आज दिनांक 13/7/2022 ला इथे 20 हज़ार जी वाढ झालेली आहे ती कमी करण्याबाबत हे आंदोलन करण्यात आलेले आहे। तरी इथे सर्व कामठीवासियांनी आमचे सहकार्य केलेले आहे आणि आता आम्ही इथे त्यांच्या समोर आंदोलन करीत आहो। आणि देवेंद्र फडणवीस सरांनी सुद्धा अशी काही आंदोलने केलेली आहे, परंतु त्यांच्या आता सत्तेत आल्यानुसार त्यांना ते विसर पडलेलं आहे। त्यांच्या जे त्यांनी आंदोलने केलेली आहे, आमच्यासारखीसुद्धा त्यांनी आंदोलने रस्त्यात येऊन केलेली आहे। आता 10-20% 20 हज़ारात वाढ होत आहे, ही वाढ लवकरात लवकर कमी करावी अशी आमची सर्व जनतेची मागणी आहे। आणि सर्वसामान्य जनताही दरात वाढ कमी झाली पाहिजे असे आंदोलन आम्ही गेल्या दोन वर्षापासून सतत करत आहोत। आम आदमी पार्टी ही वीज दर हा कमी व्हावा यासाठी 2 वर्षापासून आंदोलने सुरू ठेवत आहे। हाच मुद्दा आज आम्ही इथे मांडत आहो आणि आमचा हा मुद्दा तहसीलदार साहेबांनी विचारात घ्यावा अशी आमची मागणी आहे। जय हिंद। बिजली जलाई थी कि बिजली कम होना चाहिए, बिजली दरें कम होना चाहिए, लोग परेशान हैं। तो मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या साहब आप वो वादा भूल गए? क्या आप वो सब चीज़ भूल गए? क्या आपने अब गरीबों के लिए काम करना बंद कर दिया है? अब आप सत्ता में आ चुके हो फिर से। हमारी बस विनती आपसे है हाथ जोड़कर कि आज जनता परेशान है, लोगों के पास में काम नहीं है, व्यापार नहीं है, अब तो स्कूलें भी चालू हो गई है, आज इंटरनेट का दौर है, लोग परेशान है। सर, हम आपसे विनती करते हैं कि आपने जो 20% जो बिजली दरें बढ़ाई है, आप उसको तत्काल वापस लें, उसको कम करें आप उस दरों को, और 200 यूनिट बिजली फ्री आप पूरे महाराष्ट्र में कीजिए, क्योंकि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने गई थी, उत्तराखंड में इलेक्शन लड़ने गई थी, तो वहाँ पर भाजपा सरकार ने बोली थी कि हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज तुम्हारी सरकार यहाँ पर है, आप लोग दे सकते हो, जब दिल्ली के अंदर में 200 यूनिट बिजली फ्री हो सकती है, 1 जुलाई से पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, जबकि पंजाब के अंदर में
लाखों का कर्जा सरकार के ऊपर में पहले से खड़ा हुआ है, उसके बावजूद पंजाब सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। तो आपसे विनती है सिंधे सरकार साहब से कि आप महाराष्ट्र के अंदर में 200 यूनिट बिजली फ्री करो। यदि अगर से आप लोगों ने नहीं किया तो आने वाले इलेक्शन के अंदर में आप लोगों को पता चल जाएगा जो आप लोग जनता को धोखा देकर वोट लेते हो, जनता आपको बताएंगी। और अरविंद केजरीवाल साहब और भगवंत मान साहब महाराष्ट्र के अंदर में अब सरकार बनाने के अंदर आएंगे और 200 यूनिट और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। 200 यूनिट फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। 200 यूनिट फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की है। सरकार की इस राहत के बाद महाराष्ट्र में पेट्रोल 5 और डीजल 3 रुपए सस्ता हो गया है। नई सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया जो पिछले महीने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद बनी थी। सीएम एकनाथ शिंदे ने मीटिंग के बाद कहा कि महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट में क्रमशः 5 रुपए और 3 रुपए प्रति लीटर की कमी करेगी। नागपुर में युवा फाउंडेशन व आशा ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा तैलिक सामाजिक समारोह का आयोजन किया गया था। इस वक्त दोपहर 3 बजे तैलिक गौरव पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ये कार्यक्रम मंगलवार को नागपुर के सतनजी सांस्कृतिक भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के बाद उपस्थिति सभी लोगों के लिए स्नेह भोजन का आयोजन किया गया था। संत शिरोमणि श्री जगनाडे महाराज यांच्या जीवनावर संत तुकाची जोडी लावी नामाची गोडी हा नाट्य कार्यक्रम आम्ही आज इथे सादर करत आहोत। हा कार्यक्रम विदर्भात पहिल्यांदाच होत आहे आणि यासाठी 25 लोकांची टीम ही पुण्यावरून नागपूरला आली। संताजी महाराजची कारकिर्दी, संताजी महाराजांनी केलेले चांगले काम, संताजी महाराज आणि तुकाराम महाराज यांची मैत्री, हे सगळं जीवन सारथी जीवन जीवनी हे आमची आज पिढीला माहीत असली पाहिजे, त्यामागचा हा उद्देश आहे। आणि संताजी महाराजांचा कार्यक्रम आता हा लाईव्ह सुरू आहे आणि सगळ्या संताजी भक्तांनी या कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा। हे आता ऑनलाईन पण चालू आहे, यूट्यूबवर चालू आहे आणि फेसबुकवर पण चालू आहे। सगळ्यांनी याचा भरघोस प्रतिसाद मिळालेला आहे आणि सगळ्या कार्यक्रमाचा खूप चांगल्या याच्याने हे करत आहे। समाज बांधणी कशी असते, जीवन कसं असतं, साधं जीवन कसं असतं आणि इतिहासाचं महत्त्व काय या कार्यक्रमातून आज आपल्याला कळलेलं आहे। त्याच्यामुळे हा कार्यक्रम दरवर्षी आम्ही नेहमी असाच करणार आहे। जय संताजी। कुणाल भाऊंच्या नेतृत्वात आज युवा फाउंडेशन तथा आशा ग्रुप ऑफ कंपनीच्या वतीने सुंदर असं संताजींच्या गाथेवर नाटकाचं नागपूर येथे प्रथमच विदर्भात नाटकाचं आयोजन केलेलं आहे। तरी समाधी सर्व बंधू भगिनींना विनंती आहे की याचा नाटकाचा लाईवसुद्धा सुरू आहे आणि पुन्हा बराच वेळ नाटक चालणार आहे। तरी समाधी सर्व बंधू भगिनींनी नाटक पाहण्यासाठी संताजी सभागृह सोमवारी क्वार्टर येथे अवश्य यावे आणि नाटकाचा आस्वाद घ्यावा। धन्यवाद। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।